श्रावण, क्या आनंद वार्ता लाए हो? हाँ श्रावण। श्रावण, अरे हमारे कोसल देश की राजधानी अयोध्या में वसंतोत्सव होने वाला है, हम चले अयोध्या? अरे ये तो सच में आनंद वार्ता है, पर मुझे कैसे संभव है? मेरे माता पिता अंध है, उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर मैं नहीं आ सकता। अरे जब देखो तुम काम ही करते रहते हो, अरे कभी तो खुद आनंद लिया करो। आनंद, तुम्हें सच बताऊं, मुझे माता पिता की सेवा करने में ही स्वर्गीय आनंद मिलता है। उनकी सेवा का मुझे कभी बोझ नहीं होता, जैसे कि ईश्वर ने मुझे उनकी सेवा करने की स्वर्ण संधि दी है। श्रावण, तुम्हारे जैसे सुशील और गुणी मित्र का मुझे अभिमान है। चलो चलता हूं मैं, पिताजी भी अयोध्या जा रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अयोध्या से वापस आओगे तब मुझे मिलना, अयोध्यापति दशरथ कैसे दिखते हैं वो मुझे बताना। अवश्य। संभल कर जाना। चलता हूं मैं। सच है, ऐसे पुत्र के माता पिता होना, ये तो हमारा भाग्य ही है। हाँ सच है, कितनी सेवा करता है हमारी, सुबह से लेकर रात तक बहुत कष्ट उठाता है, हमारी सेवा करता है, पर कभी उसके चेहरे पर दुख दिखाई नहीं देता। हमारे अंधे होने से उसको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो अयोध्या नहीं जा सका वो हमारी वजह से, हमारा दुर्दैव ही उसकी बाधा है। बाबा ये क्या कह रहे हो आप? आपका सुख वही मेरा सुख, फिर मेरे सुख के आड़ आपका दुर्दैव कैसे आएगा? उल्टा मैं ये अपना सद्भाग्य समझता हूँ कि आप जैसे माता पिता मुझे मिले। अरे श्रावण, ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, हमारी चिंता मत करो, जाओ तुम अयोध्या। माँ वो कदापि संभव नहीं, आपकी सेवा यही मेरा वसंतोत्सव है। किसी की नहीं सुनते तुम। बाबा खांसी की दवाई ली आपने? हाँ, भूल गए ना? मैंने कहा था इसे ले लो, आराम मिलेगा। अरे बेटा नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये दवाई। बाबा पर ये खाने से आपकी खांसी कम होगी। अरे नहीं चाहिए मुझे, मैं कहता हूँ इसलिए, ले लीजिए, लीजिए लीजिए, खा लीजिए। ठीक है, ले लीजिए इसे, अब आप खाइए। हाँ हाँ लेता, मेरे सामने खाइए। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। माँ ये क्या कर रही हो? मैं हूं ना काम करने के लिए, तुम जरा आराम से बैठो। जितना हो सके उतना कर रही हूँ, भले ही अंध हूँ पर अंत चक्षु से देख सकती हूँ। भोजन में कभी कंकर दिखा? ये सच में आश्चर्य की बात है। इसमें कैसा आश्चर्य, आंखों से बाहरी दुनिया दिखती है और अंत चक्षु से विश्व दर्शन होता है। माँ मैं तुम्हारे जितना बुद्धिमान होता तो सच में। अरे मुझसे ज्यादा तुम बुद्धिमान हो, कर्तृत्ववान हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत प्रगति करो, जग में तेरा नाम हो। महर्षि वशिष्ठ का स्वागत है। प्रणाम मुनिवर। कल्याण वस्तु राजन, कल्याण वस्तु। राजन ऐसा क्या हुआ, इतनी शीघ्रता से मुझे यहां बुलाया? मुनिवर पिछले कितने महीनों से मैं चिंता में हूं। ऐसा क्या विपरीत हुआ राजन जिस कारण
अयोध्यापति दशरथ इतने चिंतित हो रहे हैं? मुनिवर, मैं मेरे कर्तव्य पूरे करने में कभी नहीं चूका। यज्ञ याग, दान धर्म, प्रजा की सेवा, ये सब अच्छे से चल रहा है। कैकेयी, कौसल्या, सुमित्रा, ऐसी तीन पतिनिष्ठ रानियां होकर भी हमें अभी तक पुत्र सौख्य नहीं। राजन, तुम्हारे जैसा सूर्यवंशी राजा इतनी चिंता में क्यों? सूर्यवंश का विस्तार हो, ये तो परमेश्वर की इच्छा है। आप चिंता मत कीजिए राजन। मुनिवर, जिस कारण हमने आपको यहां इतनी जल्दी बुलाया है वो तो अलग ही है। हमारी चिंता और बढ़ गई है वो कल रात के उस स्वप्न के कारण। स्वप्न? कैसा स्वप्न? मुनिवर, उस स्वप्न में हमने देखा कि हमारे हाथों दो निरपराध पुरुष और एक स्त्री की हत्या हो रही है। उस क्षण से मेरी नींद उड़ गई है। मुनिवर, यह स्वप्न क्या सूचित करता है? राजन, यह स्वप्न निश्चित रूप से अशुभ सूचित करता है। इस घटना को टाल नहीं सकते। मुनिवर, परंतु राजन, आप जब शिकार पर जाओगे उस वक्त आपके हाथ से दो नर और एक मादा ऐसे जानवरों का जब वध होगा तब कदाचित दो पुरुष और एक स्त्री की हत्या हम टाल सकते हैं। मुनिवर, आपकी कृपा से ऐसा ही हो। इस वसंत उत्सव के बाद हम तुरंत शिकार पर जाएंगे। कल्याणमस्तु राजन, कल्याणमस्तु। आज्ञा गुरुदेव।
वाह, बहुत अच्छा है भोजन। श्रावण अच्छा खाना बनाता है। अच्छा बनाता हूँ, पर आप खाते कहाँ हैं? ये लीजिए। अरे नहीं चाहिए बेटा, आजकल आपका भोजन पे ध्यान नहीं है बाबा। अरे बेटा बहुत हो गया। तुम भी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा लो और थोड़ा सा। अरे नहीं चाहिए, पेट भर खाओ। हाँ रात को सपने में विश्वेश्वर का दर्शन हुआ। सपने में ही सही, दर्शन तो हुआ। काशी यात्रा जाने का मन हो रहा है, काशी विश्वेश्वर का दर्शन लेना चाहता हूँ, गंगा स्नान करना है, ऐसी इच्छा तो है। लेकिन हम ठहरे अंधे, जाए तो कैसे? माँ बाबा, मैं आपको काशी यात्रा पर ले जाऊंगा। अरे बेटा, लेकिन काशी तो बहुत दूर है। बहुत मुश्किल है वो यात्रा। माता पिता को काशी ले जाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। माँ बाबा, मेरे कंधे मजबूत है, मैं आपको कावड़ी में ले जाऊंगा। आप आओगे ना मेरे साथ? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। अरे कावड़ में लेके जाओगे? बहुत तकलीफ होगी बेटा। माता पिता की सेवा में कष्ट कैसा? अब वो सब छोड़ो, अब कुछ भी हो आपकी काशी यात्रा की इच्छा मैं पूरी करके ही रहूंगा। कब लौटे अयोध्या से? कल ही लौटा मैं। और कैसा रहा वसंतोत्सव? अरे श्रावण, तुम इतने सुंदर कार्यक्रम से वंचित रह गए। ओ हो 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 हो, क्या वो संगीत, क्या वो नृत्य, और रंग तो ऐसे जो कभी ना भूल पाए। अरे अयोध्या में मानो स्वर्ग ही उतर आया था। बहुत अच्छे। घर तुम आए होते ना तो और आनंद आता। अरे पर इस काम में मुझे बहुत आनंद मिलता है। किंतु तुम ये कर क्या रहे हो? मैं कावड़ बना रहा हूँ। इस कावड़ी में बिठाकर मैं मेरे माता पिता को काशी ले जाऊंगा। अरे हाँ, पर कितना लंबा सफर है, और ये कावड़ उठा के जाना आसान नहीं। मेरे कंधे समर्थ है और इच्छा शक्ति भी तीव्र है, इसीलिए मैं अपने माता पिता को काशी यात्रा लेकर ही जाऊंगा। भगवान तुम्हारा भला करे, चलता हूं मैं। असा जो पुत्र करित से सेवा मात पित्यांची, धन्य असा जो पुत्र करित से सेवा मात पित्यांची, कथा ही श्रावण बाळाची, कथा ही श्रावण बाळाची। धन्य असा जो पुत्र करित से
विद्यांची कथा ही श्रावण बाळाची कथा ही श्रावण बाळाची दशरथ जाऊ लागला वनी मृगये साठी राजा दशरथ जाऊ लागला वनी अश्वारुह होनी चालला दृढ निश्चय करुनी अश्वारुह होनी चालला दृढ निश्चय करुनी मृगये साठी राजा दशरथ जाऊ लागला वनी गये साथी राजा दशरथ जाऊ लागला वनी श्वापद दिसत नाही सगळे श्वापद गेलेत कुठे श्रावण हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा माँ इस अरण्य में कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा आप चिंता मत करो आप इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो मैं अभी आया पानी लेकर जल्दी आना बेटा जी आता हूँ Thank you.
वाह, कितना अच्छा और प्रसन्न लग रहा है। इस विशाल बहती नदी को मेरा प्रणाम। इस स्वच्छ सुंदर पानी से मेरे माता पिता की तृष्णा बिल्कुल बुझ जाएगी। ये आवाज कैसी? शायद कोई प्राणी यहां अपनी प्यास बुझाने आया है। प्राणी नहीं दिखा तो भी मेरा यह शब्दविधि बाण उसकी जान लेने के लिए काफी होगा। मुझे डर लग रहा है, वो जंगली जानवर श्रावण। अरे अरे, वो आएगा लौट के। तुम चिंता मत करो, आएगा वो श्रावण। ये तो मनुष्य की आवाज। कहीं मेरे हाथों एक मानव की हत्या। भगवान, ये क्या किया मैंने? माँ, बाबा, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकूंगा। मैं अरे ये क्या हुआ? बेटा बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा है, मुझसे भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दो बेटा। ये अयोध्यापति दशरथ तुम्हारे पास दया की, क्षमा की भीख मांगता है। क्या आप अयोध्यापति हैं? ये तो मेरा सौभाग्य, मेरा जन्म सार्थक हुआ। मुझे आपको देखने की बहुत इच्छा थी। बेटा, अरे क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? महाराज, मेरा नाम श्रावण है। मैं अपने माँ बाबा को लेकर काशी यात्रा जा रहा था। बीच में उन्हें प्यास लगी, इसलिए पानी लेने आया था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? श्रावण, अरे मुझे लगा कि कोई हिरन या कोई जानवर आया था यहाँ पानी पीने। जानवर को बिना देखे शब्द विधि बाण छोड़ने की विद्या मुझ पर ही उलट गई। श्रावण, मुझे क्षमा कर दो। महाराज, आप मेरी क्षमा क्यों मांग रहे हो? आप तो अयोध्या के सम्राट हैं। नहीं श्रावण, मेरी क्षमा मांग के मुझे लज्जित लगती है। बस एक कहना चाहता हूँ महाराज, एक ही विनती है। कहो श्रावण, कहो श्रावण। मेरे माँ बाबा को प्यास लगी है, कृपा करके आप उन्हें पानी
दे सकते हैं। हाँ श्रावण, हाँ महाराज। और एक, मेरे माँ बाबा अंधे हैं, वो आपको नहीं देख पाएंगे, वो आपको नहीं पहचान पाएंगे, देख नहीं सकेंगे, उन्हें कृपया ये वार्ता न सुनाए। हाँ श्रावण। उन्हें ये पता चल गया तो वो तत्काल मर जाएंगे। अब मैं आपकी श्रावण अंतिम श्रावण श्रावण माँ श्रावण श्रावण बाबा श्रावण श्रावण बाबा श्रावण माँ श्रावण श्रावणा, हे भगवान, ये क्या पाप करवा दिया मेरे हाथों? इस निष्पाप लड़के की हत्या मेरे हाथों क्यों करवाई भगवान? अब इसके अंध माता पिता के सामने मैं कैसे जाऊं? भगवान, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे हाथों? श्रावण श्रावण, ये क्या पाप हो गया मेरे हाथों? श्रावण श्रावण, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? श्रावण श्रावण श्रावण, कुछ भी हो जाए पर तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तुम्हारे निराधार माता पिता को मैं पानी दूंगा श्रावण, मैं पानी दूंगा श्रावण 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 श्रावण। ये क्या पाप हो गया मेरे हाथों? श्रावण श्रावण। श्रावण, अरे बोलो ना श्रावण, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। हाँ कौन है? श्रावण, बहुत थक गए हो क्या? बेटा नाराज तो नहीं होना तुम?
थक गया होगा वो। हाँ। बहुत चलना पड़ा होगा ना उसे। ये श्रावण नहीं हो सकता, उसके पैरों की आहट मैं पहचान सकती हूँ। कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? सुनो, पूछो ना कौन है वो। अरे कौन हो तुम, बोलो। सुनो, अरे ये हमारा श्रावण नहीं है। श्रावण नहीं है? अरे अरे कौन हो तुम, बोलो ना कौन हो। मैं? हाँ। अयोध्यापति दशरथ। दशरथ? अयोध्यापति दशरथ? आप और यहाँ? काशी विश्वेश्वर की कृपा हो गई। आंखें होती तो आपका तेजस्वी पराक्रमी रूप देख सकता। हमारा श्रावण पानी लाने गया है, आपने देखा क्या उसे? मुझे क्षमा करो, इस अयोध्यापति को क्षमा करो, क्षमा करो। पर किस लिए? कहिए तो क्षमा किस लिए करें? आपका पुत्र यानी श्रावण का मेरे हाथों वध हो गया। श्रावण? जानवर समझकर मैंने शब्दवेधी बाण छोड़ा और अनर्थ हो गया। पर मुझ पर विश्वास करो, ये अपराध मुझसे गलती से हुआ है। गलती से हुआ हो फिर भी ये अपराध ही है, याद रखना। तुम अपराधी हो। अयोध्यापति अपराधी है। इक्ष्वाकु कुल को तुम कलंक हो। अयोध्यापति दशरथ राजा तुम अपराधी हो। मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, आपको मेरी राजधानी ले जाऊंगा, आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। पर मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो। असंभव। राजा, तुम अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दोगे, लेकिन मेरा श्रावण मुझे वापस नहीं मिलेगा। मेरा श्रावण मुझे वापस नहीं मिलेगा। श्रावण,
श्रावण बेटे, तुम वापस नहीं आओगे, नहीं आओगे। नहीं नहीं राजन, पुत्र खोने का दुख तुम नहीं समझोगे। पुत्र वियोग के दुख में जैसे हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही तुम पुत्र वियोग के दुख में तड़प तड़प कर मर जाओगे। श्रावण, मेरा श्रावण, मेरा श्रावण। हे राजन, तुमने पुत्र वियोग का दुख हमें दिया है, मैं तुम्हें पुत्र वियोग का श्राप देता हूं। सारे सुख तुम्हारे चरणों में होंगे, फिर भी तुम्हें पुत्र वियोग होगा ही। पुत्र वियोग का दुख तुम्हें सहन करना होगा। पुत्र का नाम लेके तड़प तड़प के तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा, श्रावण, माते, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु राजन, कल्याणमस्तु। राजन, ये कैसी अवस्था आपकी? गुरुदेव, मेरे हाथ से अनर्थ हो गया। गुरुदेव, क्या हुआ? शिकार पर जाते वक्त शब्द विधि बाण ने मेरा घात किया। जानवर समझकर मैंने एक निरपराध मानव पर बाण छोड़ा। गुरुदेव, मेरे हाथ से एक निष्पाप ब्राह्मण पुत्र का, श्रावण का वध हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु वार्ता सुनके श्रावण के माता पिता ने तत्काल प्राण त्याग दिए, पर प्राण छोड़ने से पहले उस अंध माता पिता ने मुझे घोर श्राप दिया है। गुरुदेव, कैसा श्राप राजन? पुत्र वियोग से तड़प तड़प कर मेरी मृत्यु होगी,
ऐसा श्राप दिया है गुरुदेव। राजन, ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान होगा। वरदान? वो कैसे गुरुदेव? राजन, राजन, पुत्र वियोग से तुम्हारी मृत्यु होगी, इसी का अर्थ तुम्हें पुत्र प्राप्ति भी होगी, ऐसा ही है। हाँ राजन, प्रारब्ध में लिखा है वैसे ही हरेक की मृत्यु होती है। राजन, राजन अब शोक मत करो और पुत्र प्राप्ति के हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां शुरू करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु।